हाय एवरीवन, वेलकम टू अन एकेडमी गाइस। प्लीज लेट मी नो वन थिंग कि क्या मैं आप सभी को ऑडिबल एंड विजिबल हूँ। हाँ जी सर। सबसे पहली अपडेट गाइस जो आप लोगों को देनी है वो है 21 जुलाई से रिलेटेड। आप लोगों के लिए नए बैचेस प्लान कर दिए गए हैं अन एकेडमी की टीम के द्वारा, जिसमें तुम्हें दो बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे जिनसे आप घर बैठ के अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, चलो इसके अलावा गाइस आज का जो हमारा इंटरेस्टिंग सा मॉक टेस्ट है उसे स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा ताकि मैं आपकी पूरी स्क्रीन को स्ट्रेच कर दूं। यस, ऑल राइट ऑल राइट। जी गाइस, शुरू करते हैं आज का जो हमारा 2 बजे का सेशन है यहाँ से। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ यूं इस्तेमाल टमटमाता हुआ दिख रहा है, जरा सभी लोग देखो, अटेम्प्ट करो। हाँ जी चलो लग जाओ। पहला जो है एक स्पेल्ड का आपको दिया गया है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा ये आपको लगाना है। ठीक है, तो जरा सोचो समझो और लगा डालो तो क्या होगा। यस हाँ जी, देखो गाइस, घमंड है ना। यस, घमंडी से रिलेटेड एक टर्म होता है, दिस इज HAUGSTY है ना। तो यहाँ पे HAUGSTY, इसी का आपको क्या कर देना था, इसका नाउन वर्जन बनाना था। हॉटी ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है। ठीक है, हमको पता है किसी भी शब्द के लास्ट में अगर हम NEESS लगा देते हैं तो बेटा वाई को जब हटाओगे तो इधर INESS ऐड कर देना है। तो देखो कौन सा सही है, HAUGSTY NEESS, यानी ये बन जाएगा नाउन, और स्पेलिंग वाइज कौन सा सही होगा, ये बनेगा तुम्हारा थर्ड ऑप्शन। सो थर्ड या सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। That's great. So, Raj Kishore is here, Siddharth is here, and this is Piyush, है ना? This is Govind Prajapati, Rohit Singh. चलो सभी लोग इकट्ठा हो रहे हो, बहुत अच्छी बात है। चलो सभी को शेयर कर दो, है ना, जितने भी लोग हैं तुम्हारे भाई फ्रेंड फ्रेंड्स आओ। सो नेक्स्ट, ये वाला आपका बहुत बार आया है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का फेवरेट शब्द है गाइस, करेक्टली स्पेल्ड शब्द। अगर तुमने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छी बात है, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो। दिस इज ग्रामर, GRAMMAR। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, दिस इज व्याकरण, राइट। इसमें देखो डबल ए, देखो यहाँ पे दिस इज MMAA, ये यहाँ पे भी ए यहाँ पे भी ए, दो ए होते हैं। तो में से बहुत सारा बच्चा ना डी ऑप्शन टिक कर देता है। ये देखो अंकित सिंह हमारे फोर्थ ऑप्शन बता रहे हैं, है ना अंकित बेटा। अंकित, डी ऑप्शन नहीं होता है ग्रामर में, आपका यहाँ पे भी ए यहाँ पे भी ए होता है, बचपन से हम लोग करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ क्या नाम है, अभिजीत। अभिजीत, तब भी देखो बच्चों का गलत हो रहा है, अभी और भी लेवल बढ़ता जाएगा, टेंशन मत लीजिए। आइए, हर पेरेंट्स ऑलवेज हर इन हर स्टडीज। चलो आओ, तो जिनके माता पिता हैं वो क्या करते रहते हैं, हमेशा इनकरेज करेंगे, है ना। ऑब्वियस सी बात है, माता पिता हमेशा बालक को बालिका को इनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। इंटरेस्ट तो कोई खुद से लेगा, मम्मी पापा नहीं दिलवाएंगे। इंप्रेस, किसी से बहुत ज्यादा प्रभावित होना। एक्सपेक्टेड मतलब होता है उम्मीद लगाना। तो ये तीनों ही ऑप्शंस आपके नहीं होंगे। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है या जो ए ऑप्शन था ना, दैट वाज एब्सोल्युटली राइट, इसे आपको टिक कर देना था। जी हाँ मोहिनी गौतम जी, एब्सोल्युटली राइट। आइए, दिस इज फर्टाइल। फर्टाइल का कौन सा वाला ऑप्शन सही जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कमेंट सेक्शन पे कमेंट करते हुए चलते चलो। अभिजीत, आरोही, अंकित, मोहिनी, बहुत बढ़िया भाई, गोविंद प्रजापति। फर्टाइल मतलब होता है कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ हो, राइट। तो उपजाऊ का देखते हैं, यहाँ पे अपोजिट लाना था, तो उपजाऊ का अपोजिट बंजर हो जाता है, जहाँ पे कोई भी पैदावार ही ना हो। ठीक है, सिविलाइज्ड, सिविल से रिलेटेड है। सिविलाइज होना मतलब बहुत ज्यादा क्या होना, सभ्य होना, एजुकेटेड होना। तो यहाँ पे एजुकेटेड के मतलब नहीं है। सेन, सेन मतलब क्या होता है, कभी भी कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बुद्धिमान है ना। इनसेन मतलब मूर्ख होता है, सेन मतलब बुद्धिमान होता है, टफ मतलब कठोर होता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन हटा दीजिए, पहला या ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, राइट। ये आदिश्री, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आ जाओ आगे देखते हैं।
वन हु प्रिटेंड्स टू बी वॉट ही इज नॉट, ये बड़ा प्यारा आइडियम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो देखो जरा यहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति जो प्रिटेंड करता है, एक्चुअल में वो होता नहीं है लेकिन दिखाता बहुत ज्यादा है। तो देखो डायरेक्टर तो निर्देशक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, दिस इज हाइपोक्रेट। हाइपोक्रेट ना पाखंडी व्यक्ति होता है ना। हाँ ढोंगी बाबा, वो क्या होते हैं, वो एक्चुअली बहुत बड़े बाबा होते नहीं है लेकिन वो दिखाते बहुत बड़े अपने आप को हैं। राइट, यस विवेक राठौर, दिस इज श्रीनु संजय, आदि अभिजीत, बहुत बढ़िया। तो बस यहाँ पे देखो क्रिएटर बनाने वाला। एक्रोबैट क्या होता है ना, एक्रोबैट इज समथिंग रिलेटेड टू, ये कलाबाज होता है, जो कलाबाजी करता है ना, जिमनास्ट वगैरह करता है, उसे कहते हैं। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बचा आपका सेकेंड ऑप्शन या बी ऑप्शन, जिसे आपको टिक कर देना था, नंबर आपको मिल जाता। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी का? चलो आगे मूव ऑन करते हैं, देखते हैं आगे क्या करने वाले हैं। बहुत बढ़िया, स्वर्णिमा श्रीवास्तव, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक्यूट, एक्यूट का मतलब क्या होता है? जी हाँ, एक्यूट मतलब होता है ना, बोले बहुत ही ज्यादा सीवियर, राइट, एकदम से बहुत तेज का दर्द हो, तीव्र का दर्द हो, बहुत ही क्रिटिकल सा हो, तो उसके लिए क्या कहते हैं, उसको एक्यूट लगाते हो। तो एक्यूट का क्या होगा, अभी तक तुम देख रहे हो कोई चीज जो बहुत तीव्र है, इसका ब्लंट हो जाएगा, अब तीव्र नहीं है, धार ही नहीं है, यानी वो बहुत ही ज्यादा कैसी कुंद टाइप की है। डार्क तो अंधेरा होता है, क्लेवर चालाक होता है, ग्रेव तो गंभीर होता है, ये तीनों ही ऑप्शन नहीं होंगे गाइस। अभी तक तुम किसी भी चीज को देख रहे थे वो बहुत ही तीव्र था, अभी ये कैसा है, कुंद है ना, धार ही नहीं है, बिल्कुल ब्लंट है, नॉट शार्प। सो अपोजिट जाना था, फोर्थ ऑप्शन उठा लेते, नंबर तुम्हें मिल जाता। आइए, दिस इज डीप एन। व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म गाइस? यस राजकिशोर जी, डीप एन का मतलब क्या होता है? हाँ जी, जल्दी 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 बता दो, फटाफट लगाते चलो, बनाते चलो। बहुत बढ़िया भाई कृष्ण, एवरीवन। देखो डीपेंड मतलब गहराई होती है, ठीक है। हाँ तो डीपेंड इज समथिंग, कोई भी चीज जो कितनी ज्यादा इंटेंसिटी से है, कितनी ज्यादा गहराई में की जा रही है ना, हाँ, कितना इंक्रीज करके, वो वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, डीपर, राइट, इंटेंसिफाई, तीव्रता के साथ में। सूद तो पॉजिटिव होता है भाई, काम होना, शांत होना। न्यूट्रलाइज तो उदासीन होता है, ये भी अडाओ। रिलीफ भी पॉजिटिव है, ये तीनों ही पॉजिटिव थे, केवल एक निगेटिव था, दिस इज इंटेंसिफाई करना। सो फोर्थ या डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, राइट। आइए आगे देखते हैं, द बॉल इज इन वंस कोर्ट, इसका मीनिंग क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आकाश वगैरह ने लिखा हुआ था कि मैम आई लाइक योर क्लासेस, थैंक यू सो मच। बेटा इतने सारे लोग बैठे हुए हो, एक एक थंब इम्प्रेशन सभी लोग फटाफट दे डालो, बना डालो, आ जाओ इधर। मैं बोलूं, मैं तुमसे बात करूं, मैं बोलूं द बॉल इज नाउ इन योर कोर्ट, यानी अब आपकी बारी है नेक्स्ट मूव चलने की, या फिर अब आपकी बारी है के बारे में बोलते हैं, टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन, है ना। अब आपके ऊपर अगर मैं छोड़ रही हूँ तो, यानी द बॉल इज इन योर कोर्ट, राइट। तो बस पहला ऑप्शन है जो ए ऑप्शन है ना, ये बहुत आजकल ट्रेंडिंग इडियम है, कोई एग्जाम बैठना उसमें देखना, या फिर अगर तुम न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो तो उसमें भी बहुत बार ये दिया जाता है, द बॉल इज इन योर कोर्ट करके, राइट। आइए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भाई। नेक्स्ट देखते हैं क्या करोगे, द एंट्री गेट्स वर क्लोज, वी कुड एंटर इट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। हाँ जी सभी लोग, जितने लोग बैठे हुए हो, आप सभी को आज मैं देखूंगी आप में कितना है दम, आज देखूंगी मैं, जितने लोग बैठे हो सभी लोग फटाफट पहले एक एक कमेमोरेशन दे डालो। आइए तो देखो, कह रहे हैं जो एंट्री गेट है ना, देवर क्लोज, वो बंद हो चुके थे जब तक हमारे पहुंचने से पहले ही, जब तक हम अंदर जा पाते तब तक एंट्री गेट बंद हो चुका था। तो वही है, बिफोर लगा दोगे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो यस, तो जो एंट्री गेट से वो बंद हो चुके थे हमारे जाने से पहले, तो पहले के लिए बिफोर लगा दूंगी, और कोई ऑप्शन नहीं था। जी हाँ पुलकित, एब्सोल्युटली राइट। मोहिनी गौतम, सिद्धार्थ, विवेक, बहुत बढ़िया। सीनू संजय, बहुत रेगुलर बच्चे मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है, आई टोल्ड द टेलर टू मेड अ न्यू ड्रेस फॉर मी, इसका क्या करोगे? सभी को बनाना है, सभी को बनाना है, फटाफट बना डालो। हाँ जी देखिए गाइस, यहाँ पे क्या करना था, टू मेक करोगे, है ना। आ देखो, आई टोल्ड द टेलर टू मेक अ न्यू ड्रेस फॉर मी, यहाँ पे टू प्लस वी वन का प्रयोग किया जाता है जनाब। जी हाँ बहुत बढ़िया सिद्धार्थ, एकदम सही जा रहे हैं आप। तो टू प्लस वी वन कर देना था बेटा, नंबर मिल जाते। आइए इधर देखते हैं, द लेडी स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज फैट, बहुत बढ़िया दिया हुआ है, इसको देखो जरा, सोचो समझो लगाओ क्या करोगे। यस
फैट खुद में क्या है, नाउन है, जो कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है ना। तो जो लेडी कॉर्नर में किनारे खड़ी हुई है वो हेल्दी है ना, वो क्या है, वो फैटी है ना। फैट सेल्स उनके ज्यादा, उनके पास बहुत ज्यादा है, केवल इतना बोला जा रहा था। तो ये जो तुम्हारा सेकेंड ऑप्शन है, जो बी ऑप्शन है ना, दैट इज एब्सोल्युटली राइट, इसे आपको टिक कर देना था, नंबर मिल जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मुस्कान। जय माता दी, जय माता दी। आइए इन आर नटशेल, कई बार तुम लोगों ने देखा होगा एग्जामिनेशंस में, जरा एक बार गोली की रफ्तार में। पहली बात तो जितने लोग बैठे हो इतनी सारी संख्या बैठी हुई है, केवल 28 लाइक, 50 तो तुरंत हो जाने चाहिए, फटाक से 50 लाइक्स करने हैं। आप सोचो कैसे करने हैं, आओ। इन आर नटशेल, पता है नटशेल का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत ही संक्षिप्त रूप में की जाए, ठीक है। हाँ, कोई भी चीज अगर बहुत ही संक्षिप्त रूप में की जाए तो उसको बोलते हैं दिस इज, प्लीज टेल मी द स्टोरी इन अ नटशेल, यानी मुझे ना ब्रीफ कर दो एक्चुअली क्या हुआ था, उसके जो मेन मेन पॉइंट्स थे मुझे बता दीजिए, तो बस इतना कर देना था। तो इन अ नटशेल जो लिखा हुआ है ये कैसा है, ये सही था, बिल्कुल सही है, एकदम सही लिखा हुआ था, तो ये नो इम्प्रूवमेंट जाएगा। फोर्थ ऑप्शन या डी ऑप्शन आपने टिक कर देना था, नंबर आपको मिल जाते हैं। अच्छा आओ देखो, ही डिड नॉट लाइक द नॉवेल नॉर आई डिड, इसका क्या करोगे मोहिनी? सभी लोग लगाओ बनाओ। यस, ही डिड नॉट लाइक द नॉवेल, आओ, नॉर डिड आई, बस इसको क्या करना था, तुमने देखा निगेटिव दिया हुआ है, तो इसके बाद में इन्वर्जन लगाते हैं, यानी हेल्पिंग वो पहले फिर बाद में सब्जेक्ट, राइट। तो बस नॉर नॉर डिड आई कर देना था, नंबर मिल जाते सिद्धार्थ, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अ प्लेस वेयर नंस लिव एंड वर्क, एक ऐसा स्थान जहाँ पे जो नंस होती हैं, जो सिस्टर होती हैं है ना, वो रहती हैं है ना, और काम करती हैं, उसको क्या कहते हैं गाइस? यस, उसे ही हम लोग कॉन्वेंट कहते हैं, ठीक है। यस, कॉन्वेंट, या इसे ही ननरी कहते हैं, जो क्रिश्चियन की कम्युनिटी होती है जहाँ पे नंस वगैरह रहती हैं है ना, वहाँ पे काम वगैरह करती हैं, तो उसको हम लोग कॉन्वेंट कहते हैं। डॉर्मेटरी तो होता है छात्रावास, तो छात्राओं की रहने की तो बात होनी रही है, हॉस्टल में भी सेम जाता है, वहाँ पे हटाओ। क्वार्टर भी ऑफिसर्स, या फिर तुमने देखा होगा कुछ घर वगैरह बना दिए जाते हैं है ना, हाँ, आर्मी नेवी के क्वार्टर्स होते हैं, तो ये तीनों ही ऑप्शंस नहीं होगा। यहाँ पे नन से रिलेटेड केवल एक ऑप्शन था, एंड दिस वन इज योर ए ऑप्शन, ऑल राइट। यस, बहुत बढ़िया पुलकित, चलो आओ। इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू अंडरस्टैंड दिस दिस दिस, जरा देखना इसको क्या करोगे। जितने लोग बैठे हुए हो फटाफट इसको लगा डालो, बना डालो। हाँ जी, इट वाज नॉट पॉसिबल, यस, देखो गाइस, यहाँ पे फॉर वी नहीं करोगे, फॉर अस करोगे, ठीक है। प्रेपोजिशन के बाद में आपको कौन सा वाला केस चाहिए होता है? ऑब्जेक्टिव केस चाहिए होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव केस के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे वी का हमारा अस हो जाएगा, तो बस अस कर देना था, नंबर आपको मिल जाते हैं। चलो आओ आगे देखते हैं इसका क्या करेंगे सभी लोग। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, सौरभ कुमार। यू लाइक सम वॉटर, अब तुमसे पूछ रहा है कुछ, जरा लगाना बनाना, तो क्या करोगे इसका? सभी लोग बनाओ। ऑल राइट, हाँ जी, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जाएगा वुड यू लाइक सम वाटर। आप कभी भी किसी से अगर फॉर्मली पूछते हो कि क्या आपको पानी चाहिए है ना, तो वही वाले सेंस में है, तो वुड यू लाइक सम वाटर, क्या आप कुछ पानी पीना पसंद करेंगे? तो इसके लिए सेकेंड ऑप्शन या जो बी ऑप्शन है ना, दिस इज एब्सोल्युटली राइट, इतना कर देना था, नंबर आपको मिल जाते। आइए, दिस इज करेज, करेज का कौन सा वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा? सोचिए समझिए और बना दीजिए। जी हाँ नित्या जी, शिखा, अमित, बहुत बढ़िया, आरोही। करेज मतलब साहस होता है, ठीक है, तो ब्रेवरी, ब्रेवनेस, आओ देखते हैं। यहाँ पे मीकनेस तो होता है कोई व्यक्ति जो बहुत ज्यादा नम्रता से आए, पेशेंस के साथ में आए है ना, हाँ, तो उसे बोलते हैं, तो ये तो नम्र पड़ जा रहा है, नम्रता से रिलेटेड हटाओ। वैल्योर, वैल्योर मतलब भी साहस होता है, ठीक है, ब्रेवरी, करेज, हाँ जी। ह्यूमिलिटी क्या होता है? ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता होती है, टिमिडिटी भी सेम सेंस में जाता है, कभी भी कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा डरपोक टाइप का है उसको बोलते हैं, तो बस यहाँ पर टिमिडिटी हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये तीनों ही निगेटिव जा रहे थे, केवल एक पॉजिटिव था, दिस इज वैल्योर, तो पॉजिटिव वाले को उठा लेना था, नंबर आपको मिल जाता, ठीक है। चलो आओ आगे देखते हैं इसका क्या करेंगे। वी मस्ट स्टार्ट नाउ, आओ, तो कह रहे हैं वी मस्ट स्टार्ट नाउ, डैश डैश डैट, इट विल बी टू लेट, इसका क्या करेगा?
ऑल राइट योगिता कुमारी, वी मस्ट स्टार्ट नाउ, हमें स्टार्ट कर देना चाहिए नाउ। आगे देखो, यस कनेक्टर क्या होगा, और अन्यथा इट विल बी टू लेट। अगर अभी हम नहीं शुरू करेंगे ना तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा, विलंब हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको अन्यथा लगा देना था, और लगा देते नंबर तुम्हें मिल जाता। ठीक है, आइए आगे देखते हैं इसका क्या करेंगे आप लोग। ह्यूमैनिटी कैन बी एज द क्वालिटी ऑफ बीइंग ह्यूमन। अब यहाँ पे जो ह्यूमैनिटी है, ध्यान से सोचिएगा, जो मानवता है ना, जो ह्यूमन काइंड का हमारा एक नेचर है, दिस कैन बी, इसको किया जा सकता है एज। बेटा एज के साथ में क्या लगाते हैं राजेश, फटाक से बताओ। यहाँ पे ह्यूमैनिटी जो है, जो मानवता है, दिस कैन बी डिफाइंड एज, इसे परिभाषित किया जा सकता है एज द क्वालिटी ऑफ बीइंग ह्यूमन, इंसान होने की जो ये क्वालिटी है, जो गुण हमारा होता है, वही मानवता कहलाता है। द पैक्यूर नेचर, ये जो हमारा विशेष प्रकार की हमारी प्रकृति है, प्रवृत्ति है। आगे देखते हैं, आओ ऑब्वियस ही बात है, काकी के, है ना, ये नेचर ऑफ मैन होता है, इंसान का, राइट। तो काकी के लिए हम लोग ऑफ लगाते हैं, हमेशा याद रखना। प्रेपोजिशन को हिंदी में कन्वर्ट कर लिया करो, नंबर मिल जाएंगे। ऑल राइट, आइए आगे देखते हैं। बाय विच ही इज डिस्टिंग्विश्ड, जिसके द्वारा उसका अंतर किया जाता है अदर बीइंग से। तो गाइस इसे लगाना जरा। जी हाँ, सभी लोग बताओ। यस विपुल यादव, दिस इज श्रीनु, पुलकित, मोहिनी गौतम, पल्लवी शर्मा, शिखा। ऑब्वियस बात है गाइस, डिस्टिंग्विश्ड के साथ में हमारा फिक्स्ड प्रीपोजिशन फ्रॉम आता है ना, तो डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर बीइंग्स कर देना था, नंबर मिल जाते। ठीक है, हाँ जी। तो बाय विच ही इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर बीइंग्स। अब आगे देखते हैं क्या होगा। बींग ह्यूमन, इंसान होना, नॉट मीन दैट एन इंडिविजुअल पॉसेसेस ह्यूमैनिटी। अब आगे देखते हैं, बींग ह्यूमन, इंसान होने की जो बात हो रही है, अब ऑब्वियस बात है गाइस, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हम लोग हैड नहीं लगा दोगे, प्रेजेंट की बात हो रही है, डिड नहीं लगा दोगे, हैज नहीं लगाओगे, प्रेजेंट एंड डेफिनेट की बात है तो आप लगा दोगे बींग ह्यूमन। दिस डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि एक इंडिविजुअल को प्रोसेस करना चाहिए मानवता को, वन ऑफ द डैश डैश डैश। हाँ जी, इसको देखते हैं इसका क्या करोगे, वन ऑफ द, इसके बाद में कैसे करोगे, क्या लगाओगे, सभी लोग सोचो समझो लगाओ। यस यस, तो ये जाएगा वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग एग्जांपल्स ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमैनिटी इन अ ह्यूमन बीइंग, दिस हैज बीन पोर्ट्रेड ब्यूटीफुली बाय मदर टेरेसा। अब देखो माता, ये जो मदर टेरेसा जी है ना, इनके द्वारा ये बहुत बढ़िया एग्जांपल सेट किया गया है मानवता का, है ना। तो बस यहाँ पे तुमने इधर क्या, वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग, जो सबसे ज्यादा खूबसूरत, आपको पता है गाइस, जैसे तुमने द देखा ना, तो द के बाद हम लोग सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं। सुपरलेटिव डिग्री देखो कहाँ पे था, मोस्ट दिख रहा है, लगा देते हैं, नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, राजेश एंड एवरीवन, यस सभी का क्लियर है। हाँ जी, आ जाओ आगे देखते हैं। द फादर विद हिज चिल्ड्रेन वर एक्सपेक्टेड टू अटेंड द फंक्शन। इसका जरा बताना क्या करोगे चैंपियंस। बहुत बढ़िया बेटा विपुल, विपुल मैंने नहीं लगाएंगे, द सुपरलेटिव डिग्री होता है ना, द के बाद में सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के लिए मोस्ट आता है। ठीक है, मैंने नहीं आएगा, द के बाद द मैंने नहीं होता है। ठीक है, आओ। अच्छा देखो, मैंने बताया था विद यहाँ पे कनेक्टर है, राइट। आप सबको पता है, मैंने बता रखा है, करवा रखा है, तुमने देखा विद यहाँ पे कनेक्टर है, तो द फादर विद हिज चिल्ड्रेन, आपको कनेक्टर के पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। तो S1 तुमने देखा फादर लिखा हुआ है, तो इसके लिए क्या कर दोगे, द फादर विद हिज चिल्ड्रेन वॉज एक्सपेक्टेड टू अटेंड द फंक्शन, है ना। पिता बच्चों के साथ में एक्सपेक्टेड था, क्या करेगा वो, फंक्शन को अटेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना था, तुम तुरंत दिमाग लगाते, कनेक्टर के द्वारा कभी भी तुम्हें दो सब्जेक्ट जुड़े हुए दिख जाएं, जैसे विद एज वेल एज, टुगेदर, टुगेदर विद, है ना, हमेशा S1 के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगती है। S1 तुमने देखा यहाँ पे फादर है, जो कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए यहाँ पे वॉज कर दोगे, नंबर ले लोगे। अमान मिश्रा, क्लियर है यहाँ तक, नमस्कार नमस्कार सभी का, डन। आ जाओ, बेंड ओवर बैकवर्ड्स, इसका मतलब क्या होगा, सभी लोग सोचो समझो और लगाओ, और बना दो, लगाओ
यस, बेंड ओवर बैकवर्ड्स, इसका क्या होगा? बाकी गाइस तुम्हें से जो जो बालक बालिका अच्छे से एंजॉय कर रहा है क्लास को, ये अपना टेलीग्राम का चैनल है, जब तक ये वाला प्रॉब्लम बताओ, ये है t.me/shyamabhipandey5, ठीक है? हाँ, इस टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाओ। अभी रात के 10 बजे मैं तुम लोगों का मेगा शो कराऊंगी, ठीक है? हाँ, 1 बजे और रात के 10 बजे मेरी फ्री क्लासेस होती हैं, जो अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे है। अगर तुम इन फ्री क्लासेस में बैठोगे तो तुमको बहुत इंप्रूवमेंट खुद के अंदर दिखेगा, ठीक है? बाकी मेरी पेड क्लासेस जो है उन्हें भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके लिए ये रेफरल कोड दिया हुआ है, दिस इज MAXLIVE। याद रखना, अनअकैडमी पे जुड़ने के टाइम पे इसी कोड का प्रयोग करना है, क्योंकि इसी से तुम्हें मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। जय भीम, आ जाओ। अगर बेंड ओवर बैकवर्ड्स कर रहे हो ना, इसका मतलब है एक्सर्ट अ लॉट ऑफ एफर्ट टुवर्ड्स सम एंड कर रहे हो, ठीक है? हाँ जी, आप अगर क्या कर रहे हो ना, बेंड ओवर बैकवर्ड्स कर रहे हो, तो इसका केवल एक ही मीनिंग आ रहा है। क्या? आओ मैं एक्सप्लेन करती हूँ तुम्हें। मेक एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग, है ना, स्पेशली टू बी फेयर और हेल्पफुल। तो अगर आप अपना ट्राई वंस हार्डेस्ट कर रहे हो, तो यू आर बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स, ठीक है? ट्राई योर हार्ड। हाँ जी, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, डन। हाँ जी, बिल्कुल बताया जाएगा। गोविंद प्रजापति प्रजापति, आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल बताया जाएगा। प्लीज वेट एंड वॉच, राइट? हाँ जी, एकदम एकदम। चलो आओ, इधर करते हैं कुछ और प्रश्नों को डील। ऑल राइट, आ जाओ गाइस। इधर से करते हैं पहले। थ्रू आउट हिज स्पीच द क्राउड वॉज ऑल इयर्स, इसका क्या होगा? सभी को बनाना है, करना है, फटाक से बता दो। देखो, ऑल ईयर मतलब मैंने बताया था ना, अगर सास और जेठानी बात कर रही हैं, तो जो देवरानी होगी उस टाइम पे क्या कर लेगी? ऑल ईयर्स, यानी जैसे मोदी जी की मन की बात के लिए आप सभी लोग कैसे रहते हो? ऑल ईयर्स रहते हो, यानी वेरी अटेंटिव रहते हो। तो अगर टू हियर समथिंग, किसी भी चीज को बहुत ही अटेंटिवली अगर आप सुन रहे हो, तो आप वहां पे ऑल ईयर्स हो। चलो अब इसका देखते हैं, इसका क्या करोगे? सभी लोग सोचो समझो बना डालो। हाँ जी, इट वॉज डिसाइडेड बाई द मेंबर्स, तो केवल इतना उठा लेना था। देखो, वॉज डिसाइडेड दिया तुमने, इधर आओ। द मेंबर्स डिसाइडेड, केवल आपको इतना बदल लेना था। तुमने देखा है यहाँ पे मैम, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, मैंने तुम्हें बताया है पैसिव में वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही कन्वर्ट होता है वॉज वर्ब प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में। तो केवल इतना कर देना था, तुम्हें नंबर मिल जाते, राइट? डन, चलो आओ। इंट्रिकेट, व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म गाइस? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन पे बताते चलो, और आज देखूंगी मैं कितनी जल्दी तुम लोग 50 लाइक्स करते हो। आज देखूंगी मैं आप में कितना है दम, आज देखूंगी। आइए, इंट्रिकेट मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, जटिल। कोई भी चीज कितनी जटिल है, कितनी कॉम्प्लेक्स है, कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको इंट्रिकेट कहते हैं, है ना? कॉम्प्लेक्स यहाँ पे सेम जा रहा है, कलरफुल रंगीला होता है, कनेक्टेड मतलब जुड़ा होना, कंप्लीट मतलब पूरा होता है, राइट? तो बस एक ही ऑप्शन जा रहा था जटिल से रिलेटेड, कॉम्प्लेक्स इज योर ए, और फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, राइट? हाँ जी, तो फटाक से लगा देना था, नंबर मिल जाता। आओ इसको देखते हैं गाइस, एक पैरासिंबल की प्रॉब्लम है आपकी स्क्रीन पर, तो जरा सोचो समझो लगाओ, क्या लगाओगे इसको? सभी लोग सोचो समझो लगाओ। बहुत बढ़िया, देखिए गाइस, यहाँ पे बात हो रही थी पैराचंबल की। पैराचंबल में कहा जा रहा है शुरुआत, ओवर द इयर्स, जैसे तुमने देखा यहाँ पे ओवर द इयर्स लिखा हुआ है। हाउ एवर कंक्लूजन दिख रहा था तुम्हें, बी ऑप्शन लास्ट में कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे, तो बस इसको क्रॉस चेक कर लेते, नंबर तुम्हें मिल जाता, ठीक है? हाँ, मैंने बता रखा है हेंस द, सो, देयरफॉर, हाउ एवर, इन सब से कंक्लूजन दिखता है। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है भाई, तुमने जैसे ही टिक किया वैसे ही तुम आधी जनता से आगे निकल जाओगे। आओ देखो, एक्विट, एक्विट का मतलब क्या होता है? एक्विट का मतलब होता है बरी करना, है ना? तो देखो यहाँ पे कॉन्विक्ट मतलब होता है अपराधी, अभी तक तुम देख रहे थे किसी को बरी किया जा रहा है, अभी यहाँ पे अपराधी की बात हो रही है। हाँ जी, फॉरगिव तो होता है किसी को माफ करना, इविक्ट मतलब होता है किसी को एक्सपेल कर देना, बेदखल कर देना, क्लियर तो स्पष्ट होता है, तो ये तीनों ही ऑप्शन हटा दो, ठीक है?
फटाक से कर लेते हैं, फिर हम लोग करेंगे आज का अपना बढ़िया इडियम्स एंड फ्रेजेस का सेशन, राइट? चलिए आइए इसको देखते हैं। द फ्लावर्स स्मेल सो स्वीटली दैट आई वॉन्ट टू प्लक देम। प्लक मतलब तोड़ने की बात हो रही है ना, पिक ऑफ करने की बात हो रही है। तो गाइस यहाँ पे क्या होगा, जो फूल है वो बहुत ही ज्यादा, सो एडवर्ब था, एडवर्ब के बाद में अपने को एडजेक्टिव चाहिए था, ठीक है? तो सो स्वीट करोगे, आओ जो फ्लावर्स हैं ये स्मेल कर रहे थे सो स्वीट दैट आई वांट टू प्लक देम। तो थर्ड ऑप्शन है जो सी ऑप्शन है ना, दैट इज एब्सोल्युटली राइट, इसे टिक कर देना था, नंबर आपको मिल जाते। आओ जरा इधर देखते हैं इसको, फटाक से लगा दो, बना दो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आइए देखिए। मेजर, मेजर मतलब मापना होता है ना किसी भी चीज के साइज वगैरह को, MEASURE होता है मेजर। सभी लोग कमेंट सेक्शन पे मेरे साथ लिखते चलो। रॉबरी, रॉबरी तो होती है चोरी चमारी डकैती, रॉबरी की स्पेलिंग ये होती है RRBERY, है ना, बर्गरी, थेफ्ट, ये वाला। लेजर मतलब होता है फ्री टाइम, है ना, आपका जो खाली समय होता है, बोलते हैं ना आपका लेजर टाइम कौन सा है। रेस्टोरेंट कई बार आया है, इस बार भी CHSL ने पूछा था रेस्टोरेंट, मैंने याद करवाया है रेस्ट और एंड, केवल इतना याद करना, रेस्ट और एंड, है ना, चीटी और आराम, बस इतना याद कर लो, नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे ना लास्ट में ANT लगाना था, ENT नहीं लगाना था। यस पुलकित सागर जी, एब्सोल्युटली राइट बेटा जी, एब्सोल्युटली राइट। आइए इधर देखते हैं, अनलेस यू डिड नॉट डू योर होमवर्क यू विल बी पनिश्ड। इसका क्या लगाओगे, सभी लोग बनाओ, सोचो समझो। जैसे तुमने देखा गाइस, अनलेस लिखा हुआ है, मैंने आपको पहले भी ब्रीफ किया हुआ है, मैं फिर से बताना चाहूंगी, अनलेस और अनटिल के साथ में ना फिर से निगेटिव नहीं लगाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी निगेटिव टर्म्स होते हैं, ठीक है? हाँ, तो कह रहे हैं जब तक कि नहीं, तो नहीं इसमें ऑलरेडी छुपा हुआ था, आपको केवल यहाँ से डिड नॉट हटाना है, अनलेस यू डू योर होमवर्क यू विल बी पनिश्ड सेड द टीचर, राइट? तो बस यहाँ पे इतना कर देना था, नंबर आपको मिल जाते। जब तक कि आप अपना काम नहीं करेंगे, टीचर आपको पनिश करेंगे, राइट? हाँ चलो आओ। इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, कोई भी चीज अगर आ सुधार रहे है जिसे सही ना किया जा सके, आ सुधार रहे। अब बेटा अमन, अमन हिंदी में बता रहे हैं, अब अगर हिंदी भी नहीं समझ में आ रही है तो देखो इससे ज्यादा अच्छी और इससे ज्यादा शुद्ध लैंग्वेज तो हमें नहीं आती है, ठीक है? हाँ जी, तो देखो ये तुम्हारे अमन किस कक्षा में पढ़ते हो, जरा ये भी बता देना कि क्या तुम इस कंपटीशन के लायक हो या काबिल हो, क्योंकि देखो ये जो प्रश्न मैं तुम्हें करवा रही हूँ ये SSC CGL CHSL स्टेनोग्राफर के लेवल के प्रश्न है, ठीक है? अब यहाँ पे कह रहा है कोई भी चीज जिसे सुधारा ना जा सके, ठीक है? तो अब जो चीज सुधारी ना जा सके उसे हम असुधार्य कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में ऐसे ही कह देते हैं दिस इज इनकॉरिजिबल। क्या? इनकॉरिजिबल, असुधार्य, जिसे सुधारा ना जा सके, है ना? हाँ बिल्कुल, स्पैम है गोविंद, आई कैन अंडरस्टैंड, यस यस यस। आओ इनक्रेडिबल, बेटा आप 9th क्लास में हैं तो एक काम करिए अमन, ये क्लास आपके लिए नहीं है, ये क्लास कॉम्पिटिशन के लिए है, आप क्लास 9th का पढ़िए जाकर। आइए इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय, इनवॉयलेबल मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो नेवर टू बी ब्रोकन टाइप की है ना, हाँ, तो हटा तो इनवॉयलेबल नहीं होगा, इम्पॉसिबल तो असंभव होता है, ठीक है जी? तो बस यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन उठा लेना था, असुधार्य, इनकोरेजिबल, जिसे सही नहीं किया जा सकता है, पहला ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है? हाँ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जी हाँ, इधर देखते हैं इसका, दिस इज एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब क्या होगा, एब्सर्ड का मतलब क्या होगा, फटाफट लगा दो, बना दो। यस आई नो आप सबको मजा आ रही है, हाँ जी, जितने लोगों को मजा आ रही है एक बार औसम या नाइस लिखकर भेजिए कमेंट सेक्शन में, बहुत बढ़िया। आकाश सिंह, आकाश कह रहे हैं औसम, थैंक यू सो मच। आओ देखो, एब्सर्ड मतलब होता है कोई चीज जो बेतुकी हो, है ना, हाँ, कोई भी चीज जो अनरीजनेबल हो, इलॉजिकल हो, इनअप्रोप्रिएट हो ना, उसके लिए हम लोग एब्सर्ड का प्रयोग करते हैं, इसे हिंदी में बेतुका कह देते हैं। आओ देखो, सेंसिटिव मतलब तो होता है कोई चीज जो बहुत ही संवेदनशील हो, ठीक है जी? नेक्स्ट है तुम्हारा सेल्फिश, स्वार्थी, सेंटिमेंटल मतलब इमोशनल। तो गाइज अभी अभी तक कोई चीज बहुत ही एब्सर्ड थी, बेतुकी थी, इलॉजिकल थी, अभी वो सेंसिबल है ना, बुद्धि से रिलेटेड है, समझदारी से रिलेटेड है, ठीक है जी? हाँ, तो इधर तुम्हें अपोजिट उठाना था, तो योर फोर्थ या डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, राइट? चलिए बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है। यस चलो मजे आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर तो विनर्स आओ, आई एम वेरी मच प्लीज्ड टू सी यू हियर टुडे। इसका क्या होगा, सभी लोग लगाओ। देखो गाइस वेरी और मच दोनों साथ में लगाने से ना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दोनों का काम ही एक है, डिग्री दिखाई जा रही है कोई चीज जो बहुत अधिक है, राइट? तो आई एम वेरी प्लीज्ड टू सी यू हियर टुडे कर दोगे, नंबर मिल जाएंगे, है ना? सबसे पहली बात, जितने लोग बैठे हुए हो ना, एक एक थंब इम्प्रेशन दे डालो, बना डालो, लगा दो, दिखा दो कि हाँ भाई अच्छी लग रही है क्लास। हाँ जी आइए। तो यहाँ पे केवल आपने क्या करना था ना, आई एम वेरी प्लीज टू सी यू हियर टूडे कर देना था, पहला ऑप्शन या ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है? आइए इधर देखते हैं इसका क्या करोगे गाइस। यस बहुत बढ़िया मोहिनी, पुलकित एंड एवरीवन, चलो आओ। दिस इज क्यू यू आई ई टी, क्वाइट। क्वाइट मतलब क्या होता है, चुप हो जाइए, शांत हो जाइए, ठीक है? देखो दो मीनिंग होते हैं, एक तो ये होता है शांत होने से, साइलेंट होने से, ठीक है? एक दूसरा और होता है, इसका मतलब क्या है, दिस इज क्यू यू आई टी, दोनों लिख लो, बड़े जरूरी है। ये वाला जो नीचे वाला है ना, इसका मतलब होता है कंप्लीटली, पूर्ण रूप से, कम्प्लीटली, है ना? ऊपर वाला जो है ये इसका मतलब होता है शांत वाला, चुप होने से रिलेटेड, ठीक है जी? क्लियर है यहाँ तक सभी का? आओ चलो इधर देखते हैं। सिंस ही सिक्योर द फर्स्ट रैंक, सुधीर हैज बिकम स्वॉलन हेडेड। गाइस जब से उसकी पहली रैंक आई है ना, तब से वो कैसा हो गया, वो कॉन्सीटेड हो गया है, घमंडी हो गया है, एरोगेंट हो गया है, स्मग हो गया है, ठीक है? हाँ जी, तो कॉन्सीडर इज द राइट ऑप्शन। जब से उसकी एसएससी में पहली रैंक आई है, या फिर जब से उसका पहला रैंक उसमें स्थान हासिल किया है ना, तब से वो सीधे मुंह किसी से बात ही नहीं करता, राइट? तो पहला या ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, है ना? यहाँ पे बीमारी से और ये सारे टर्म्स हटाने थे, केवल घमंडी लगा देते, नंबर मिल जाता। आओ देखते हैं इसका क्या करोगे। वेन यू वॉन्ट टू एक्सपैंड योर वोकैब, द बेस्ट थिंग टू डू इज, पहले खुद से पढ़ो फिर मुझे बताओ। बहुत बढ़िया पुलकित, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फटाक लगाओ, फटाक फटाक फटाक, जल्दी से फिर करेंगे इडियम्स, है ना? तो व्हेन यू वांट टू एक्सपैंड योर वोकैब, द बेस्ट थिंग टू डू इज टू रिलेट अ नोन वर्ड। देखो यहाँ पे, एक तुम जिस शब्द को जानते हो ना, उसको एक अननोन से या अनफैमिलियर से रिलेट कर दो, है? इसके बेसिस पे बहुत सारे से शब्दों का कलेक्शन तुम्हारे पास आ जाएगा, है ना? तो यहाँ पे देखो, एसेंशियल कोई चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी हो, नेसेसरी हो, अनक्लियर अस्पष्ट, अननेसेसरी नहीं करना है, फैमिलियर को अनफैमिलियर से ऐड करना है, जिससे कि हमारे पास शब्दों का कलेक्शन ज्यादा हो जाए, ठीक है? एग्जामिनर ने इसलिए यहाँ पे नोन तुम्हें हिंट दिया था, पकड़ लेते नंबर मिल जाता। आ जाओ, द रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ड्यू टू एन इंक्रीज, इसको देखो जरा क्या करोगे दोस्त। हाँ जी बहुत बढ़िया, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो गाइस यहाँ पे पता है क्या करना है, ऑफर्ड बाय कर दोगे, है ना? तो क्या है, कह रहा है जो रिडक्शन है ना कॉस्ट में ऑफ एजुकेशन ड्यू टू एन इंक्रीज इन द सब्सिडीज, दिस ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट इज ऑल्सो सीन, यहाँ पे ऑफर्ड कर दोगे, नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है? आइए इधर देखते हैं, अ कैंपस फायर इन कैलिफोर्निया कॉज दिस दिस दिस, इसको उठा लो, बना दो जल्दी से फटाफट। हाँ जी देखो गाइस इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेथ ऑफ एटलीस्ट 23%, इसको तुमने उठा लिया, ठीक है? हाँ इधर तुम देख रहे हो, दिस कॉज्ड यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो इसे जब पैसिव में बनाओगे तो वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दोगे, बाय करके जो रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट लिखा हुआ है मोहिनी गौतम, इसे लगा देना था, नंबर अपने को मिल जाते। अच्छा, दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, कोई एक ऐसी चीज जिसे सुना ना जा सके। सबसे पहली बात तो जितने लोग क्लास में बैठे हो, एक एक थंब इम्प्रेशन दे डालो, बना डालो, लगा डालो दोस्त। जी हाँ बहुत बढ़िया बात है भाई, बहुत बढ़िया बात है। चलो तो कोई भी ऐसी चीज जिसको तुम सुन ना सको, यानी वो कैसी चीज है, वो इनऑडिबल है, राइट? हाँ, तो इनऑडिबल के लिए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन या जो सी ऑप्शन है ना, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। हिडन मतलब छुपा होना, इनविजिबल मतलब जो तुम्हें दिखे नहीं, स्लाइट मतलब हल्का सा, तो थर्ड या जो सी ऑप्शन है ना, वो बिल्कुल सही था, इसे लगा देते नंबर मिल जाता। चलो अब इधर देखते हैं, दिस इज असिस्ट, असिस्ट का मतलब क्या होगा, सभी लोग सोचो।
असिस्ट मतलब हेल्प होता है ना, एड होना, सहायता वाली बात है। तो यहाँ पे क्रिएट नहीं करोगे, मेंड मतलब कोई बनाने नहीं लगोगे, चेंज नहीं करोगे। सहायता से रिलेटेड यहाँ पे हेल्प लिखा हुआ था, लगा देते, नंबर मिल जाता। आज ऑन नेक्स्ट देखते हैं, इन ऑर्डर टू अ न्यू प्लेस। गाइज आज मॉर्निंग में अनअकैडमी प्लस पे, अगर तुम लोग मेरी पेड क्लासेस में नहीं जुड़े हो ना, आपको बता दूं गाइज, मेरी अभी तक की ये रिकॉर्ड है, जो भी बच्चा मेरे से इंग्लिश पढ़ता है अनअकैडमी पे, हमेशा उसका सिलेक्शन हुआ है किसी ना किसी एग्जामिनेशन में। तो अगर तुम लोगों को भी एग्जाम निकालना है तो देखो ये है कोड, याद रखना, अनअकैडमी पे जुड़ते टाइम मैक्स लाइव का प्रयोग करना है। बाकी टेलीग्राम का जो चैनल है, दिस इज t.me/shambhavipandey5, ठीक है? हाँ, इसको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। तो इससे क्या होगा ना, तुम्हें जो भी डाउट हो, जो भी क्वेरी हो, जो पूछना है ना, इस ग्रुप में पूछो, तुम्हारे हर एक डाउट का सलूशन यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है? हाँ, तो इन ऑर्डर टू अडेप्ट टू, देखो खुद को अनुकूलित करने की बात हो रही है, अनुकूलन बिठाने की, कह रहा है अगर तुम यहाँ पे क्या करना चाहते हो ना, अडॉप्ट टू अ न्यू प्लेस करना चाहते हो, अनुकूलित होना चाहते हो नए स्थान पे, यू मे नीड टू एडजस्ट टू द वेज ऑफ दैट कल्चर। तुम्हारा का जो भी कल्चर है उसके अनुसार तुम्हें खुद को ढलना पड़ेगा, राइट? हाँ जी, ऑल राइट आ जाओ। देखो अधेयर, अधेयर मतलब होते हैं ना किसी से चिपक कर रहना, उससे है ना, कोई भी रूल एंड रेगुलेशन से अगर तुम उसके चिपक के हो तो अधेयर टू हो। अवॉइड मतलब होता है किसी चीज को तुम क्या कर रहे हो ना, इग्नोर कर रहे हो, हटाओ। अडॉप्ट मतलब होता है ना गोद लेना, ठीक है? अडेप्ट मतलब अनुकूलित करना, है ना? तो यहाँ पे ये अनुकूलन से रिलेटेड हो रहा है, अनुकूलित करना। और सुनो, अडेप्ट टू होता है जब भी कभी तुम नए वातावरण में खुद को अगर अनुकूलित कर रहे हो, उसी के अनुसार खुद को ढाले ले रहे हो, तो इसका मीनिंग ये होगा, ठीक है? डन बेटा, अवॉइड कैसे कर सकते हो, इग्नोर कौन कह रहा है भाई ये? बेटा यहाँ पे इन ऑर्डर टू आपको क्या करना है ना, इधर अनुकूल करना है खुद को, यहाँ पे मैनेज करना है ना? और टू जैसे ही तुमने देखा ना, आज मॉर्निंग में ही मैंने बताया है, अडैप्ट टू का मतलब होता है किसी भी नए एटमॉस्फेयर है, नए प्लेस पे खुद को क्या कर लेना, वहां पे हिल मिलकर रहने लगना, है ना, वहां पे हर एक चीज को समझ लेना, अंडरस्टैंड कर ले जाना, ये बात हो रही है यहाँ पे। हाँ, तो इतना केवल कर देना था, नंबर तुम लोगों को फटाफट मिल जाते। चलो आप देखते हैं इसका क्या करोगे, कैसे करोगे। अब यहाँ पे जो हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज है इडियम्स एंड फ्रेजेस की, उसे हम लोग डन करेंगे, राइट? आ जाओ। देखो गाइस, टू नकल अंडर, इसका मतलब क्या होगा, सभी लोग सोचो समझो और बनाओ। नकल अंडर कई बार आया है, ठीक है? नकल्स का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले तो ये देख लो, जो तुम्हारे पोर होते हैं ना हाथ के, राइट? हाँ, अ पार्ट ऑफ अ फिंगर एट अ जॉइंट, ये वाला जो सेक्शन होता है मुक्का जब बनाते हो तो किनारा जो दिखता है वही है। अगर तुमने किसी भी चीज को नकल अंडर कर दिया है, यानी तुमने उसको सबमिट कर दिया है, ठीक है? हाँ जी, ध्यान रखिएगा, कभी भी आप अगर किसी भी चीज को नकल अंडर कर रहे हो, यानी आप उस चीज को क्या कर रहे हो, उसे बिल्कुल एक्नॉलेज कर रहे हो, डिफीट कर दे रहे हो, उसको हरा दे रहे हो, उसको सबमिट करा दे रहे हो, है ना? हाँ जी, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, हटा दो, आ जाओ। इन द स्विम होना, इन द स्विम होना, इसका क्या होगा लवीश? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा लवीश, इधर देखो, इन द स्विम होना यानी बहाव में होना। मैं बोलूं कि आप सभी लोग बहुत ज्यादा इन द स्विम हो, अभी जो भी करंट एसएससी के अपडेट्स आ रहे हैं, इसका मतलब आप लेटेस्ट जो भी करंट थिंग्स हैं इससे रिलेटेड सारी की सारी अपडेट में रख रहे हो, है ना? अभी मैं बोलूंगी जी, कोरोना में जो भी न्यूज वगैरह आ रही है ना, आप सभी उसके लिए इन द स्विम हो, यानी आप सब कुछ जान रहे हो, समझ रहे हो, राइट? हाँ जी, आइए, तो गिव द डेविल हिज ड्यू। अब डेविल को अगर तुम उसका उधार दे रहे हो तो मतलब क्या है, गिव द डेविल हिज ड्यू, यस? आ जाओ, ध्यान देना, अगर शैतान को उसका हक दे रहे हो, इसका मतलब है इफ समवन और समथिंग जनरली कंसीडर्ड बैड, है ना, तो उसको क्या करना है, उसे आप क्या करने वाले हो, टू बी जस्ट टू अ पर्सन इवन दो ही डज नॉट डिजर्व सच ट्रीटमेंट,
कोई भी व्यक्ति बुरा है ना, अनप्लीजेंट है, कुछ गलत कर रहा है, और उसके साथ तब भी तुम उसका ड्यू दे रहे हो, उसका बकाया जो है उसको तब भी दे रहे हो, यानी तुम तब भी उसके साथ में अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हो, राइट? हाँ जी मालिक। तो टू बी जस्ट टू अ पर्सन इवन दो ही डज नॉट डिजर्व सच ट्रीटमेंट, उसके लिए आपको पहला ऑप्शन लगा देना था। तो पहले ऑप्शन को टिक कर देते तुम्हें नंबर मिल जाता, राइट? नो द रोप्स मीनिंग क्या होगा? हाँ जी, नो द रोप्स इसका मतलब क्या है? अगर कभी भी तुम अंडरस्टैंड कर रहे हो ना किसी भी चीज से, फैमिलियर भी हो रहे हो, जो भी डिटेल वगैरह है, जो भी सिचुएशन, जो टास्क है, जो जॉब है, उसके लिए बोलते हैं नो द रोप करा जा रहा है, राइट? यानी नो द प्रोसीजर ऑफ डूइंग अ जॉब, राइट? हाँ जी, तो वही है, बाल की खाल निकाल रहे हो या फिर हर एक चीज को समझ रहे हो, यानी तुम क्या कर रहे हो ना, तुम अंडरस्टैंड कर रहे हो, खुद को फैमिलियर कर रहे हो विद द डिटेल्स, विद द प्रोसीजर ऑफ अ जॉब। हाँ जी, तो बस यहाँ पे आपको सी ऑप्शन या जो थर्ड ऑप्शन था ना उसे टिक कर देना था, नंबर आपको मिल जाते हैं। ये देखो गाइस, ड्रॉ द लॉन्ग बो, अभी हाल फिलहाल में सीएचएसएल में पूछा गया था ये सेम डिट्टो, क्या करोगे? हाँ, अगर किसी ने तीरंदाजी करी और तुम उसको बहुत ही ज्यादा बताओ कि भैया ने तो ऐसे तीरंदाजी करी है, एकदम वो हिल गया विल गया ऐसे करके, यानी अगर आप कभी भी किसी भी बो को लॉन्ग खींच रहे हो, यानी उसको एग्जेजरेट कर रहे हो, है ना? हाँ जी, मंजीत यादव, आरोही, आदित्य, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया पुलकित, बहुत बढ़िया। कभी भी अगर आप ड्रॉ द लॉन्ग बो कर रहे हो, यानी उस चीज को एग्जेजरेट कर रहे हो, है ना, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हो, राइट? सभी लोग पहले फटाफट थंब इम्प्रेशन दे दो, जल्दी जल्दी फटाफट, चलो आओ। सेट स्टोर्स बाय, सेट स्टोर्स बाय, देखो, सेट स्टोर्स बाय समथिंग और समवन का मतलब होता है टू हैव फेथ, टू हैव कॉन्फिडेंस, टू हैव बिलीव इन समवन और समथिंग, ठीक है? हाँ जी, तो बस यही करना था। सेट स्टोर्स बाय का होगा किसी भी चीज को क्या कर रहे हो, उसको वैल्यू हाई कर रहे हो, उसमें कॉन्फिडेंस ला रहे हो, उस पे बिलीव कर रहे हो, है ना? टू केयर अबाउट, टू अप्रिशिएट, टू वैल्यू, इसके लिए हम सेट स्टोर्स बाय का प्रयोग करते हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग वेद शर्मा, गुड इवनिंग बेटा। तो यहाँ पे वैल्यू हाईली कर दोगे, पहला ऑप्शन या ए ऑप्शन नंबर तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है? आइए, विद अ स्ट्रिंग, विद अ स्ट्रिंग, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, विद अ स्ट्रिंग, हाँ चलो देखो यहाँ पे आके ध्यान से गाइस, किसी भी चीज में अगर तुम क्या कर रहे हो ना, कंडीशन में कुछ गिफ्ट या ऐड कर रहे हो, कुछ हेल्प कर रहे हो किसी भी कंडीशन में, तो उसको बोलते हैं आप विद अ स्ट्रिंग कर रहे हो, स्ट्रिंग में कुछ जोड़ रहे हो, राइट? तो बस यहाँ पे गिफ्ट या एड विद कंडीशन कर देना था, हेल्प से रिलेटेड होता है, तुरंत ही तुम्हें यहाँ पे क्या कर देना था, सी ऑप्शन लगा देना था, नंबर आपको मिल जाएंगे। हाँ जी, यहाँ पे नो स्ट्रिंग अटैच नहीं कर दोगे, है ना? हाँ, जो पूछा गया उसको लिखोगे, एग्जाम में तुमसे पूछा कुछ और जाएगा, बना अपने आप कुछ और आओगे क्या? क्यों जी, ऐसा नहीं करना है। विद अ स्ट्रिंग इडियम का मतलब होता है दिस इज सेड टू मीन दैट एन ऑफर हैज एन अनप्लीजेंट कंडीशन व्हिच मस्ट बी एक्सेप्टेड, है ना? हाँ, तो कोई भी चीज जो तुम्हें मतलब एक्सेप्ट करनी पड़ रही है एज अ गिफ्ट या उसे मानना पड़ रहा है उसे बोलते हैं, ठीक? यस, एड विद कंडीशन, बिल्कुल पुलकित, एब्सोल्युटली राइट। चलो अब आगे देखते हैं इधर। काउंट ऑन, ये तो मैंने कई बार तुम लोगों को करवाया है, ये मैंने इडियम्स एंड फ्रेजेस के बेसिस पे भी करवाया है, फ्रेजल वर्ब में भी कराया है। क्यों? काउंट ऑन मतलब होता है डिपेंड ऑन होना, रिलाय ऑन होना, आश्रित होना। अगर मैं बोलूँ यू आर काउंटेड ऑन मी, इसका मतलब है आप मुझ पर डिपेंड हो, आप मुझ पर आश्रित हो, रिलाय ऑन होना, डिपेंड ऑन होना, ठीक है? हाँ जी, तो बस यहाँ पे लगा देना था। नेक्स्ट है अ बर्ड ऑफ पैसेज, आ बर्ड ऑफ पैसेज, बहुत बढ़िया, देखो ध्यान से देखना। तो
वन विच स्टेज अ शॉर्ट टाइम, यस बिल्कुल सही है। देखो क्या है ना, जो उड़ता हुआ पक्षी होता है ना, जो माइग्रेट करने वाले जो पक्षी है ना, उनको ही बोलते हैं दिस इज अ बर्ड ऑफ पैसेज। एक पक्षी है उस पैसेज का, है ना। तो अ पर्सन हु पासेस थ्रू अ प्लेस विदाउट स्टेइंग फॉर लॉन्ग, एक ऐसा व्यक्ति, जैसे कि ये जो पक्षी है ना जो बार बार उड़ता जा रहा है, कहीं एक जगह नहीं टिक रहा है, तो वैसे ही वन एक व्यक्ति के लिए बोला जाता है अ पर्सन हु पासेस थ्रू अ प्लेस विदाउट स्टेइंग फॉर लॉन्ग, बहुत ही थोड़े समय के लिए रुक कर अगर वो व्यक्ति दूसरे प्लेस पे चला जा रहा है तो उसके लिए बर्ड ऑफ पैसेज का प्रयोग किया जाता है। मनजीत यादव जी, यस सो सी ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आइए, ऑफ हैंड। ऑफ हैंड का मीनिंग क्या होगा? बहुत बढ़िया। कोई भी व्यक्ति कैसा सा है, अगर ऑफ हैंड है यानी वो विदाउट प्रीवियस कंसिडरेशन के हैं, विदाउट प्रिपरेशन है, ठीक है, विदाउट थॉट है, उसे ऑफ हैंड बोला जाता है। यस बहुत बढ़िया, अरे बाबे वाह पुलकित, ए ऑप्शन या जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, हाँ जी बिना तैयारी के, ठीक है, हाँ ऐसे ही एक्सटेम्पोर कह सकते हो, है ना। आओ, टू शेक द डस्ट ऑफ वन सीट, टू शेक द डस्ट ऑफ वन फीट। तो गाइस आप क्या कर रहे हो ना, कोई भी अनप्लीजेंट सिचुएशन है वहां से अगर बहुत जल्दी 9-2-11 हुए जा रहे हो, यानी लीव अ प्लेस विद अ सेंस ऑफ रिसेंटमेंट, अगर उस प्लेस को तुम बहुत जल्दी छोड़ रहे हो ना, तो आप वही कर रहे हो, आप अपने पैरों की धूल बिल्कुल छोड़ के वहां से निकले जा रहे हो, है ना, लीव कर रहे हो किसी प्लेस को, तो बस ध्यान रखिएगा डिपार्ट इन अ हरी, इसे ही बोलते हैं कोई व्यक्ति डिपार्ट कर रहा है बहुत ही जल्दबाजी में, राइट। आइए, ऑल मून शाइन, ऑल मून शाइन। दैट्स ग्रेट। अच्छा, हमारा एक बालक ही बोल रहे हैं हम, रिसेंटमेंट क्या होता है? देखो रिसेंटमेंट मतलब आक्रोश होता है, बिटरनेस, ठीक है, कड़वाहट, है ना, यस। रिसेंटमेंट मतलब असंतोष होता है, ठीक है जी, हाँ हाँ जी। आइए इधर देखते हैं इसका क्या करेंगे। ऑल मून शाइन का मतलब होता है जैसे जो नेता लोग होते हैं, जो पॉलिटी करते हैं, जो पॉलिटिक्स खेलने वाले लोग हैं ना, तो कहते हैं ना पॉलिटिशियंस जितने भी वादा करते हैं वो सारे ऑल मून शाइन टाइप के होते हैं, यानी उनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है, राइट। हाँ जी, तो कोई भी चीज अगर ऑल मूनशाइन टाइप की है यानी फॉर फ्रॉम रियलिटी है, उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, राइट। तो यहाँ पर जो डी या फोर्थ ऑप्शन है ना, दिस इज एब्सोल्युटली राइट, टिक कर देना था, नंबर आपको मिल जाते, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी का, एवरीवन? बहुत अच्छी बात है, चलो इधर देखते हैं इसको क्या करोगे, फटाफट करना है, ठीक है, हाँ जी, एक बार क्विक रिवीजन भी हो जाएगा इसी बहाने। आओ गाइस, बैग ऑफ बोन्स कई बार तुम्हारे यहाँ एग्जामिनेशन में फंसा है, पूछा गया है, तो क्या आप लगा पाएंगे इस शब्द को? सभी लोगों को बताना है ये जो बैग ऑफ बोन्स लिखा हुआ है, तो क्या आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, कोई व्यक्ति अगर एक्सट्रीमली वीक है, बहुत ही कमजोर अगर व्यक्ति है, तो उसके लिए बैग ऑफ बोन्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, चलिए आइए। टू कूल वंस हील्स, टू कूल वंस हील्स, इसका मतलब क्या होगा? आ जाओ, अगर तुम कहीं पे किसी का वेट कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो, यानी यू आर कूलिंग योर हील्स, राइट, तो केप्ट वेटिंग फॉर सम टाइम, इसके लिए बोला जाता है कूल वंस हील्स का, है ना, टू बी केप्ट वेटिंग फॉर सम टाइम, ऑल राइट। तो बी ऑप्शन या जो सेकेंड ऑप्शन है ना, इसे लगा दोगे, नंबर आपको मिल जाएंगे। आओ आगे देखते हैं, होल्ड समवन इन लीज, लीज मतलब पट्टा होता है, ठीक है, हाँ जी, तो अगर तुमने किसी पर पट्टा बांध रखा है तो इसका मतलब क्या होगा? सोचो समझो बनाओ, यस, तो बस वही वाली बात है, आ जाओ, किसी भी व्यक्ति को क्या कर रखा है, रिस्ट्रेन कर रखा है, सीमित कर रखा है, राइट, हाँ जी,
तो बस यहाँ पे रिस्ट्रेंट से रिलेटेड आपको पहला ऑप्शन या आई ऑप्शन दिख रहा था। लीज मतलब पट्टा होता है, तुरंत ही मतलब बना देना था, नंबर मिल जाता। अच्छा बाइट वंस लिप्स का मीनिंग क्या होता है, जरा फटाफट लगा दो तो, बना दो तो। हाँ जी, बाइट वंस लिप्स, इसका मीनिंग क्या होगा? देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कभी भी अगर आप क्या कर रहे हो ना, अगर तुमने अपने लिप्स को दबा रखा है, यानी तुम अपने क्रोध, अपने गुस्से को, अपने इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, राइट? तो सेकेंड या बी ऑप्शन जो दिया गया है, दिस इज एब्सोल्युटली राइट, इसे टिक कर देना था, नंबर आपको मिल जाता। आ जाओ, गो द होल हॉग, इसका मतलब क्या है? सभी लोग सोचो, गो द होल हॉग। तो गाइस किसी भी चीज को अगर तुम बहुत ही कम्प्लीटली, बहुत ही थॉरोली कर रहे हो ना, तो उसके लिए हम गो द होल हॉग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है जो ए ऑप्शन है ना, दिस इज एब्सोल्युटली राइट, राइट? तो ऐसे लगा देना था, नंबर तुम्हें मिल जाते हैं। आइए, दिस इज पायरिक विक्ट्री। हाँ जी, पायरिक विक्ट्री क्या होता है? हाँ जी, पायरिक टर्म अगर तुम लोगों ने पढ़ा होता तो तुम फटाक से लगा ले जाते। हाँ जी, कोई भी चीज अगर बहुत ही ज्यादा जोरों शोरों से हो रही है ना, पायरिक मतलब होता है ना कोई भी विक्ट्री जो वन की गई है एट टू ग्रेट या कॉस्ट, ठीक है? हाँ जी, तो कोई भी चीज अगर बहुत ही ज्यादा भारी मतों के साथ में हो रही है, तो विक्ट्री एट हाई कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट इधर फोर्थ या डी ऑप्शन लगा देना था, नंबर मिलता, ठीक है? परमानेंट विक्ट्री नहीं होगा बेटा, पायरिक विक्ट्री क्या है ना, एक प्रकार की ऐसी विक्ट्री है जो वन एट टू ग्रेट, बहुत सारे एफर्ट्स के साथ में, बहुत हाई कॉस्ट में है, बहुत ही ज्यादा बलथल के साथ में अगर हुई हो, उसे पायरिक विक्ट्री कहते हैं, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। टू प्ले द गैलरी, कभी भी अगर आप प्ले द गैलरी कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? ट्राई, कोशिश कर रहे हो एप्रिसिएशन पाने की फ्रॉम द लीस्ट इंटेलिजेंट पीपल, राइट? हाँ जी, तो बस यहाँ पे आपका जो पहला ऑप्शन है ना, दिस इज एब्सोल्युटली राइट, इसे टिक कर देना था। जितने लोग क्लास में बैठे हो, सबसे पहली बात है फटाफट थंब इम्प्रेशन दे डालो, पहला ऑप्शन या ए ऑप्शन जो है ना, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। जी हाँ, लगा देना था, नंबर मिल जाता। अच्छा फैबियन पॉलिसी, गाइस फैबियन पॉलिसी क्या होता है? ये आज के सेशन का लास्ट तुम्हारा एडियम है, फटाक से लगा दो, फैबियन पॉलिसी का क्या करोगे? हाँ जी देखो, तो कोई भी ऐसी पॉलिसी जो बहुत ही ज्यादा कॉशियस परसिस्टेंस की रिक्वायरमेंट रखती है, बहुत ही ज्यादा उसमें सटीकता, बहुत ज्यादा तुम्हारी जिम्मेदारी है ना, बहुत ज्यादा तुम्हें उसमें सावधानी पूर्वक कोई काम करना है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या? फैबियन पॉलिसी, राइट? आ जाओ देख लेते हैं, दो और कर लेते हैं यहाँ पे। आ जाओ आ जाओ, टू ड्रॉ अ बीड ऑन, इसका मतलब क्या होता है? ड्रॉ अ बीड ऑन, आ जाओ। देखो गेट अ बीड ऑन या ड्रॉ अ बीड ऑन का मतलब होता है टेक अ, कोई भी अगर आप तुम एम ले रहे हो, राइट, टू टेक केयरफुल एम एट, कहीं भी किसी भी चीज का अगर तुम एम ले रहे हो है ना, लक्ष्य ले रहे हो, तो उसके लिए फोर्थ या डी ऑप्शन लगा दिया जाता है ना, नंबर मिल जाएगा। तो एम एट लेना है ना, इसको लगा देते हैं, नंबर तुम्हें मिल जाता। आ जाओ, हाउल ओवर द कोल्स, हाउल ओवर द कोल्स। क्या कर रहे हो ना, हाउल ओवर कर रहे हो कोल्स पे भी, अब जो कोयला है उसमें भी अगर तुम कमियां निकाल रहे हो, यानी स्कोल्ड कर रहे हो, रेप्रिमेंड कर रहे हो, रिप्रूव कर रहे हो, तो देखते हैं कहाँ पे स्कोल्ड करने की बात हो रही है। तो किसी को डांटना, फटकारना, रिबूक करना, पनिश करना ना, उसके लिए हाउल ओवर द होल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? हाँ जी हाँ जी, तो बस यहाँ पे आपको सेकेंड ऑप्शन या फिर ये जो सी सी ऑप्शन या जो थर्ड ऑप्शन है ना, इसे टिक कर देना था, रेप्रिमेंड करने से रिलेटेड, स्कोल्ड करने से रिलेटेड, पनिश करने से रिलेटेड यहाँ पे दिया हुआ था, फटाक
फटाक से लगाते, नंबर मिलता, आगे बढ़ जाते, राइट। अब गाइस जैसे हम लोगों ने अभी प्रैक्टिस करी है ना, अब मैं तुम्हें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स कराऊंगी रात के 10 बजे, है ना, अभी रात के 10 बजे। आपको मैं बता दूं गाइस, अनअकैडमी पे बहुत बढ़िया इंटरफेस है जहाँ पे पोल के बेसिस पे मैं तुम्हें मॉक टेस्ट कराती हूँ। तो मॉक टेस्ट के थ्रू बहुत बार बच्चों का सिलेक्शन हुआ है मेरे ही सेशन से। तो अगर तुम लोग भी सिलेक्शन चाहते हो, पाना चाहते हो, है ना, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आज जुड़ना रात के 10 बजे, करेंगे कुछ और धमाल। इसके अलावा अगर तुम ये चाहते हो गाइस, अनअकैडमी के जितने टॉप एजुकेटर हैं, देखो गाइस आज के टाइम पे ना अनअकैडमी से ज्यादा टीचर तुम्हें किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगा ही नहीं, पूरे इंडिया की मैं बात कर रही हूँ। देखो ऊपर से सबसे बढ़िया जो टीचर है ना अनअकैडमी का, वो आपको देखो यहाँ पे सारे मिलेंगे। आप जब अनअकैडमी पे जुड़ोगे, पेड क्लासेस होती हैं, जैसे तुम प्लस वाले बैच में जुड़ोगे ना, सारे टीचर खुल जाएंगे, सबकी तुम्हारी प्रोफाइल खुल जाएगी। यहाँ पे तुम अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, आज का डाउट सेशन रखा जाता है, ठीक है। अभी अनअकैडमी की ओर से कोरोना के काल में बहुत से बच्चे जुड़ गए हैं, इसलिए प्राइस हाइक फिर से होने वाला है जो कि जुलाई मंथ में ही होगा। अभी ये एसएससी और बैंक पे ऑफर चल रहा है 6 महीने और 12 महीने का, है ना। एसएससी पे ऑफर चल रहा है 4 महीने और 8 महीने का, ठीक है। हाँ जी, तो क्या करना है ना आपको, यहाँ पे ये कोड है, दिस इज MAXLIPE, राइट। सो गाइज ये जो कोड है मैक्स लाइफ, इसका प्रयोग करना है। जैसे ही तुम इसको लगाओगे ना, तो तुमको ये जो पेड क्लासेस जहाँ पे मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश सब कुछ तुम्हें मिलेगा, इसे कैसे करोगे, इसके लिए तुम मैक्स लाइफ लगाओगे, नंबर मिलेंगे। अच्छा प्लीज शट द डोर। अच्छा गोविंद, गोविंद देखो ये जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर एंड एंड टू गो टू स्लीप। बेटा गोविंद जी ऐसा बनेगा इसका, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो टू, आपने जो भी लिखा हुआ है, आओ जाओ इनका एक बार ये प्रॉब्लम है करवा देती हूँ। ये जाएगा यू आर गोविंद, इधर देखिए इसको कैसे करेंगे, ये जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर, शट द डोर, ठीक है। और बाकी आगे क्या लिखा हुआ है, एंड आगे जो भी चीज लिखी हुई है ना उसको लिख लोगे, नंबर मिल जाएंगे, ठीक है गोविंद। हाँ यस यस यस, तो बस आपको ऐसे कर देना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। दूसरा इसका एक और बनता है, लेट द डोर बी शट भी कर सकते हो, ठीक है गोविंद। गोविंद इनको बनाने के दो तरीके होते हैं, एक तो तुम यू आर रिक्वेस्टेड टू करके कर दो, या फिर लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कर दो, है ना। या तो ये कर दो, एक ऊपर मैंने लिखा, या फिर लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना। इन दोनों में से किसी को भी फॉलो कर सकते हो, तुम्हें नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ जी यस, यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर एंड, बेटा आगे लिखा क्या हुआ है, मुझे तुम्हारा ना कमेंट इतनी जल्दी ऊपर भाग रहा है कि ऊपर दिखा नहीं इसलिए मैंने नहीं लगाया है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर एंड गो टू स्लीप, है ना। एंड यहाँ पे क्या कर दोगे, ध्यान रखना ये जो तुम्हारा कन्वर्जन होता है ना, अगर कनेक्टर के द्वारा कुछ भी लिखा गया है उसे एज इट इज ही लिखते हो, बार बार आपको कनेक्टर के बाद वाली चीज में चेंजेस नहीं करना है ना। हाँ जी, उसे एंड गो टू स्लीप लिख दोगे केवल, इतना करने से नंबर मिल जाएगा गोविंद, ठीक है। बाकी रोज 8 बजे हम लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं, यहाँ पे मेहनत करते हैं, तो चलो अब फिर रात के 10 बजे मिला जाएगा, ठीक है। बाकी आपको अगर अनअकैडमी पे नहीं तुम जुड़े हो गाइस, अभी भी देखो समय है तुम्हारे पास में, अगर तुम अच्छा कंटेंट करना चाहते हो, घर बैठ के तैयारी करना चाहते हो, बढ़िया एजुकेटर से पढ़ना चाहते हो, तो ये देख लो भाई ये कोड है, अनअकैडमी पे जुड़ते टाइम इस कोड को अपने जहन में उतार लो, मैक्सिमम डिस्काउंट तुम्हें यहीं से मिलेगा। बाकी मेरी जो क्लासेस होती हैं, जो फ्री वाली क्लासेस हैं गाइस, वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं, 1 बजे और रात के 10 बजे मैं तुम लोगों की डेली क्लासेस लेती हूँ। इन क्लासेस में पहले फ्री में बैठ के देखो कैसा लग रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो जरूर जुड़ो, ठीक है। ये बहुत सारे बच्चों का भविष्य बना है, तुम लोगों का भी बनेगा। डेली मेरे पास मैसेजेस आते हैं, आज ही मॉर्निंग में ही अभी एक बच्ची का अभी सब्सक्रिप्शन हुआ है, राइट। मेरे कोर्स से डेली बच्चे सब्सक्रिप्शन डन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, राइट। तो t.me/shambhavipandey5 ये टेलीग्राम का चैनल है, तुम्हें सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड या मेरे से रिलेटेड कोई भी कुछ भी पूछना है, जुड़ो, मेहनत करो और इस बार SSC आर्या कर
करूं, ठीक है? चलो ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास देन, बाय बाय, टेक केयर, डू योर बेस्ट, गॉड विल डू द रेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।